हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स टाइम। और आज के सेशन में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेसिक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, दैट इज इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, कि पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म का इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है। सो परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट की वो एक फर्म होती है जिसमें बहुत से सेलर, बहुत सारे बायर्स पाए जाते हैं। कितने बहुत, कि कोई भी एक सिंगल सेलर, कोई भी एक सिंगल बायर अपने डिसीजन से मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। और जो सभी सेलर्स हैं वो एक ही जैसी कमोडिटी, एक ही टाइप का प्रोडक्ट यानी होमोजेनियस प्रोडक्ट वो सेल कर रहे होते हैं सेम प्राइस के ऊपर। अगर कोई भी सेलर प्राइस अगर ज़्यादा चार्ज करता है तो बायर्स को पता है कि सभी सेलर्स एक प्राइस के ऊपर, किस प्राइस के ऊपर अपनी कमोडिटी को सेल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसकी सेल्स कम होने के चांसेस वहाँ पे रहेंगे। तो सभी सेलर्स हैं वो सेम प्राइस के ऊपर अपनी कमोडिटी को सेल कर रहे होते हैं। फ्री एंट्री एंड एग्जिट होती है फर्म्स की, कोई भी फर्म अगर इजीली छोड़ के जाना चाहे मार्केट को छोड़ के जा सकती है, किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं छोड़ने पे। अगर कोई न्यू फर्म एंटर करना चाहे तो एंटर भी कर सकती है। नेक्स्ट इज फर्म इज ए प्राइस टेकर, यानी फर्म है वो प्राइस को स्वीकार करने वाले होती है। इंडस्ट्री है वो प्राइस मेकर होती है, इंडस्ट्री प्राइस डिसाइड करती है। जहाँ पे भी टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई किसी भी कमोडिटी की जहाँ पे इक्विलिब्रियम में आ जाती है, प्राइस वहाँ से डिसाइड होता है। तो इंडस्ट्री प्राइस डिटरमाइन करके देती है और फर्म उस प्राइस को एक्सेप्ट करती है, उस प्राइस पे जितना चाहे वो अपना प्रोडक्शन बेच सकती है। परफेक्ट नॉलेज होती है, बायर्स को भी परफेक्ट नॉलेज होती है कौन सा सेलर किस उस कमोडिटी को किस प्राइस के ऊपर सेल कर रहा है। सेलर्स को भी बायर्स के बारे में नॉलेज होती है कि किस बायर से वो ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हैं, किससे कम कर सकते हैं। परफेक्ट मोबिलिटी होती है, सेम ऐसे ही गुड्स मार्केट में एज वेल एज फैक्टर्स मार्केट में परफेक्ट मोबिलिटी पाई जाती है। कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जिस भी इंडस्ट्री में जाके काम करना चाहे वो काम कर सकता है, किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी। ऐसे ही गुड्स एंड सर्विस है जिस मार्केट में भी जहाँ पे भी चाहे वो बेची जा सकती है, जहाँ पे भी उसको अच्छा प्राइस मिलेगा उसी मार्केट में उनको सेल किया जाएगा। सो ये होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन। अभी हम देखेंगे कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में एक फर्म है, फर्म इक्विलिब्रियम में कहाँ पे होती है। सो बेसिकली जो दो इक्विलिब्रियम कंडीशन है किसी भी फर्म की परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, दैट इज एम सी शुड बी इक्वल टू एम आर, यानी मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होने चाहिए। और उस पॉइंट पे जहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट है उस पॉइंट पे एम सी शुड कट एम आर फ्रॉम बिलो, एम सी एम आर को नीचे से काटती हुई जानी चाहिए। ऊपर से भी काट सकती है लेकिन जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा हमारा वो होगा जब एम सी एम आर को नीचे से काटती हुई जाती है। देखिए ये कंडीशन हम क्यों रखते हैं कि एम सी एम आर को नीचे से काटती हुई जाए। यहाँ पे आप देखेंगे परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ये हमारा ए आर और एम आर कर्व होता है बिल्कुल हॉरिजेंटल पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि ए आर है वो कॉन्स्टेंट रहता है, यानी ए आर क्या होता है हमारा प्राइस, प्राइस है वो कांस्टेंट रहता है, प्राइस सेम प्राइस पे सारे सेलर्स हैं वो अपनी कमोडिटी सेल कर रहे होते हैं। ए आर जब कांस्टेंट होता है तो एम आर भी हमारा कांस्टेंट होता है, तो एक ही सिंगल लाइन से हम ए आर एम आर को दिखा रहे हैं। अब जो इक्विलिब्रियम कंडीशन दैट इज एम सी और एम आर एक दूसरे की इक्वल होने चाहिए, तो दो पॉइंट्स हैं जहाँ पे एम सी और एम आर एक दूसरे की इक्वल है, पॉइंट ए पे भी इक्वल है और पॉइंट बी पे भी इक्वल है। लेकिन जो सेकंड कंडीशन है दैट इज कि एम सी शुड कट एम आर फ्रॉम बिलो, वो हमारे सिर्फ बी पॉइंट के ऊपर ही फिल हो रही है, तो बी पॉइंट को भी हम बी पॉइंट को ही हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कंसीडर करेंगे। क्यों? अगर हम ए पॉइंट को इक्विलिब्रियम पॉइंट लेके चलते हैं, अगर फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई करते हैं, हम सेकंड कंडीशन को इग्नोर करते हैं, तो इट मीन्स अगर ए पॉइंट के बाद अगर वो जो प्रोड्यूसर है अपना प्रोडक्शन बढ़ाता है तो प्रोडक्शन बढ़ाने पे उसको रेवेन्यू ज़्यादा मिल रहा है और कॉस्ट कम आ रही है। तो कोई भी प्रोड्यूसर ऐसा नहीं होगा जिसको रेवेन्यू ज़्यादा आ रहा हो, कॉस्ट कम आ रही है, तो प्रोडक्शन उस प्रोडक्शन को ना करें, तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन बढ़ाएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? जिस पोजीशन पे हम हैं उससे सेटिस्फाई है, उसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं करना चाहते, तो जो ए पॉइंट है उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं बोल सकते, क्योंकि इस पॉइंट के बाद प्रोडक्शन बढ़ाने की टेंडेंसी है, ऑब्वियसली बात है रेवेन्यू ज़्यादा है कॉस्ट कम है। लेकिन बी पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट बोल सकते हैं क्योंकि इस पॉइंट के बाद अगर वो प्रोडक्शन बढ़ाता है तो कॉस्ट ज़्यादा आती है और रेवेन्यू कम रहता है, तो कोई भी प्रोड्यूसर है वो यहाँ प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएगा कि बढ़ाने से कॉस्ट ज़्यादा रहेंगे रेवेन्यू कम रहेगा। सो बी पॉइंट जहाँ पे भी एम सी और एम आर दोनों इक्वल होंगे और एम सी एम आर को नीचे से काटती हुई जाएगी, उसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम पॉइंट, राइट। इस बी पॉइंट पे जो प्रोड्यूसर है वो पूरी तरह से सेटिस्फाई होगा, इस बी पॉइंट के बाद वो किसी भी तरह की उसमें कोई टेंडेंसी नहीं होगी इस पॉइंट से अलग किसी पॉइंट पे मूव करने की, राइट। अब देखिए शॉर्ट रन के अंदर कोई भी फर्म है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे तीन तरह की सिचुएशन फेस कर सकती है। पहला इज
सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जिसको असामान्य लाभ होते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट सामान्य लाभ, और मिनिमम लॉस न्यूनतम हानि। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होते हैं? जब हमारा एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होता है। नॉर्मल कब होता है? जब एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर होता है। और मिनिमम लॉस, लॉस पहले पता है लॉस कब होती है? जब एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से कम रहता है। और लॉस मिनिमम कब बन जाती है? जब एवरेज रेवेन्यू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल होता है। तो इसको हम डिटेल में, तीनों ही सिचुएशन को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट असामान्य लाभ, यानी जब ARAC से ज्यादा होता है। इसके लिए आप कैसे ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले हमारा ARMR कर्व, पहले हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट को निकालना है। इक्विलिब्रियम कहां पे होगा? जहां पे भी MCMR को नीचे से काटती हुई जाएगी। तो ये हमारी MC कर्व है, ये हमारा MR कर्व है, ये हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है E पॉइंट। ये पॉइंट पे हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट है, राइट। अब इसी आउटपुट पे हमें चेक करना है कि फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहे हैं, नॉर्मल मिल रहे हैं, या फिर मिनिमम लॉस हो रही है। अब यहाँ पे हमें देखने के लिए, नॉर्मल प्रॉफिट्स को मेजर करने के लिए कि नॉर्मल है, सुपर नॉर्मल है या लॉस है, हमें AC कर्व की जरूरत होगी। तो हम AC कर्व यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ये हमारा AC कर्व है। इसको ड्रॉ करते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि AC कर्व, MC कर्व AC को हमेशा उसके मिनिमम पॉइंट पे कट करता है। यानी जहाँ पे भी वो MC से टच हो जाए, कट करे, वहीं से आप AC को ऊपर की तरफ राइज करना शुरू कर दीजिएगा। इस कंडीशन का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इक्विलिब्रियम आउटपुट पे इतना ये हमारा बनता है एवरेज रेवेन्यू, और जो एवरेज कॉस्ट से नीचे वाला पार्ट है ये हमारा बनता है एवरेज कॉस्ट। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है AR-AC, ये हमारा रहेगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन है कि AR है दैट शुड बी ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होगा, तो उस कंडीशन को बोलेंगे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, राइट। सेकेंड आता है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट सामान्य लाभ, जब AR और AC दोनों बराबर होते हैं। तो इस केस में सबसे पहले वही रहेगा आपका, ARMR ड्रॉ करेंगे, MC को ड्रॉ करेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालेंगे, इक्विलिब्रियम आउटपुट, उसी पे आपको चेक करना है नॉर्मल और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इस पॉइंट के ऊपर, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे AR और AC दोनों हमारे बराबर है। इतना ही तो हमारा AR है, यही हमारी AC है। तो जब AR और AC बराबर होते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट सामान्य लाभ, राइट। फिर से बता रही हूँ कि आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब आप AC ड्रॉ कर रहे हैं तो MC AC को हमेशा उसके मिनिमम पॉइंट पे कट करते हुए जानी चाहिए। यानी जहाँ पे भी MC से वो टच करती है, कट करती है, वहीं से आप AC को ऊपर की तरफ उठाना शुरू कर देंगे, राइट। तो ये होता है सामान्य लाभ। नेक्स्ट कंडीशन हमारी मिनिमम लॉस की। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, लॉस को दिखाएंगे। लॉस की है क्या कंडीशन होती है कि AR है वो हमारा AC से कम होता है। तो ARMR कर्व हमारा, MC कर्व ड्रॉ करेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालेंगे, इक्विलिब्रियम आउटपुट निकालेंगे। इस इक्विलिब्रियम आउटपुट पे आप चेक करेंगे कि हमारी AC कहाँ लाई कर रही है, क्योंकि लॉस की बात कर रहे हैं तो AC यहाँ पे जो लाई करेगी वो हमारे AR से ऊपर की तरफ लाई करेगी। तो ये हमने AC कर्व ड्रॉ किया। ऑब्वियसली बात आपने कॉस्ट के अंदर देखेंगे, जो एवरेज कॉस्ट कर्व है, MC कॉस्ट कर्व है, ये सारे हमारे यू शेप के होते हैं। तो ये हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व है। तो इस पॉइंट पे आप इक्विलिब्रियम आउटपुट पे चेक करेंगे, ये जो हमारा AR से नीचे वाला पार्ट है दैट इज एवरेज रेवेन्यू, एवरेज कॉस्ट से नीचे वाला पार्ट है दैट इज एवरेज कॉस्ट। तो ये जो डिफरेंस होगा वो दिखाएगा लॉस को, हानि को। अब इस हानि को हमने बनाना है मिनिमम यानी न्यूनतम। न्यूनतम की कंडीशन क्या होती है कि जो हमारा AR है वो क्या होना चाहिए, ABC के बराबर होना चाहिए। यानी उस पॉइंट के ऊपर AR और ABC दोनों बराबर होने चाहिए। ABC इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। आपको पता होगा कि AC है वो दो कॉस्ट का जोड़ होती है, AFC एंड ABC। तो ऑब्वियसली बात है कि हमारा जो ABC कर्व है वो AC से नीचे की तरफ लाई करेगा। तो सेम AC की तरह ABC भी यू शेप की होती है। तो यहाँ पे आप ABC कर्व ड्रॉ करेंगे, जहाँ पे आप देखेंगे कि इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर ABC और AR दोनों बराबर है। ये होगी मिनिमम लॉस की कंडीशन। अब ऐसा क्यों होता है मिनिमम लॉस, न्यूनतम हानि? इसका मतलब क्या है? कोई भी प्रोड्यूसर क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट की जो हानि है उसको सहन कर सकता है। ऑब्वियस फिक्स्ड कॉस्ट को वो अपने पॉकेट से दे सकता है, जो फिक्स, जो भी मतलब उसका किराया है, फिक्स्ड कॉस्ट में जो भी फिक्स फैक्टर की कॉस्ट आती है। लेकिन अगर उसको अपने रेवेन्यू से, उसके रेवेन्यू से वेरिएबल कॉस्ट मिलनी बंद हो जाए तो वो प्रोडक्शन नहीं करेगा। इसलिए इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, शट डाउन पॉइंट। यानी शट डाउन किसका, प्रोडक्शन का शट डाउन पॉइंट।
प्रोडक्शन बंद कर देगा, यानी उसको कम से कम इतना रेवेन्यू तो उसको मिलना चाहिए कि वो अपनी एवरेज जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको उस रेवेन्यू से रिकवर कर पाए। अगर एवरेज रेवेन्यू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी नीचे चला आता है तो प्रोडक्शन नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो अगर लॉस उसको प्रोडक्शन में हो रही है तो वो इतनी मिनिमम होनी चाहिए कि जो एवरेज रेवेन्यू से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट उसकी रिकवर हो जाए। अगर इससे भी ज़्यादा अगर लॉस होती है, अगर उसको एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के साथ साथ वेरिएबल कॉस्ट भी अगर उसको मतलब रिकवर नहीं कर पा रहा है तो ऑब्वियसली वो प्रोडक्शन नहीं करेगा, वो प्रोडक्शन को शट डाउन कर देगा, राइट। तो ये होती है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में शॉर्ट रन में कोई भी फर्म किस तीन तरह की कौन कौन सी कंडीशन फेस करती है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट एंड मिनिमम लॉस। अब बात करते हैं हम लॉन्ग रन के अंदर। लॉन्ग रन के अंदर हमेशा एक परफेक्ट कॉम्पिटिशन एक फर्म है वो हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट्स को गेन करते हैं। ये क्यों होता है? ये होता है फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स की वजह से। जब भी ऐसा लगता है शॉर्ट रन के अंदर की फर्म्स है वहाँ पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट गेन कर रही है तो दूसरी फर्म में अट्रैक्ट हो जाती है इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए, दूसरी फर्म में एंटर कर जाती है। जो एग्जिस्टिंग फर्म है वो भी अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगी क्योंकि प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, जो नई फर्म आ जाएगी उनसे भी सप्लाई बढ़ जाएगी तो सप्लाई मार्केट के अंदर बढ़ जाती है और उसका प्राइस जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस कम हो जाता है, एवरेज रेवेन्यू कम हो जाते हैं, प्रॉफिट्स हमारे कम हो जाते हैं तो वापस से सुपर नॉर्मल से हम नॉर्मल पे आ जाते हैं। ऐसे ही अगर लॉस वाली कंडीशन होती है, लॉस वाली सिचुएशन होती है तो कुछ फर्म में मार्केट को छोड़ के चली जाती है शॉर्ट रन के अंदर, तो मार्केट को छोड़ के जाएंगे तो सप्लाई कम हो जाती है, सप्लाई कम होने से प्राइसेस बढ़ जाते हैं, एवरेज रेवेन्यू बढ़ जाते हैं और प्रॉफिट्स बढ़ के वापस से किस पे आते हैं, हम नॉर्मल प्रॉफिट पे आते हैं। तो लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन में सारी फर्म्स सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट को फेस करती हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट की जो सिचुएशन होगी लॉन्ग रन में दैट इज जहाँ पे सभी हमारा जो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है, AR, MR, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट सभी बराबर होंगे। और यहाँ पे जो एक कंडीशन आपको ध्यान रखना है, लॉन्ग रन जो एवरेज कॉस्ट होगी वो क्या होगी? मिनिमम होगी। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? जहाँ पे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट मिनिमम होगी और जहाँ पे MC, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट उसको कट करती होगी, राइट। तो ये होंगे नॉर्मल प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म इन द लॉन्ग रन, जिसपे सभी कर एक दूसरे के बराबर होंगे। SMC, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट एंड मिनिमम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। तो ये कंडीशन होगी लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम की एक फर्म की। तो हमने देखा कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में एक फर्म शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में कहाँ किस पोजिशन पर इक्विलिब्रियम पे होती है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर वो कौन कौन सी सिचुएशन फेस करती है। तो ये था इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। थैंक यू।